jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इंडियन रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली 24 फरवरी को उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में होने वाली WWE रेसलिंग की रिंग में उतरेंगे। कंपटीशन की तैयारियों को लेकर दो दिन के उदयपुर प्रवास पर आए खली गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। खली ने बताया, सुबह उठते ही सबसे पहले आधा लीटर पानी पीता हूँ, फिर नाश्ते में 10 अंडे, 1 लीटर दूध और ब्रेड खाता हूँ। चाय काफी नहीं पीता हूँ क्योंकि चाय काफी से पहलवानी नहीं होती है। लंच दोपहर 12 बजे और डिनर शाम 7 से 8 बजे तक कर लेता हूँ। लंच डिनर दोनों में 1 से 1 किलो चिकन रहता है। इसके साथ थोड़ी दाल और चावल भी लेता हूँ। इसके अलावा दिन में फल भी खाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साइज के कपड़े कहीं नहीं मिलते हैं। मेरे कपड़े मेरा खास दर्जी ही सिलता है। फिल्म टीवी सीरियल में काम करने का शौक है, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान रेसलिंग पर है। कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात हुई थी, लेकिन फिलहाल शूटिंग के लिए मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि उदयपुर में होने वाले मुकाबले में विदेशी रेसलर्स राय बेक, रे मिस्टीरियो, ब्रायन डीस्ट्रील, जॉन मूडन, अल्वेट्रो जैसे 15 रेसलर भी आएंगे। विदेशी महिला रेसलरों में केटी फॉब्स, संतना ग्रडिट सहित 5 से 6 महिला फाइटर्स के बीच मुकाबले देखने को मिलेंगे। देश भर से 25 से 30 रेसलरों से बात की गई है। खली दोपहर में महाराणा प्रताप खेल गांव का जायजा लेने पहुंचे, जहां यह टूर्नामेंट होना है। सूचना मिलने पर 100 से अधिक प्रशंसक खेल गांव पहुंच गए। खेल गांव में व्यवस्था सही नहीं होने के कारण पूरा समय लोग खली को घेरे रहे और फोटो खिंचवाते रहे। खली जितनी देर खेल गांव में रुके लोगों से परेशान दिखे। फोटो खिंचवाने के लिए सभी लोग खली की कुर्सी तक पहुंच गए, जिससे वे असहज महसूस करते दिखे। इस दौरान जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला, तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल आदि भी मौजूद रहे।